अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को इटली की बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। अगर आप लोग इटली जाना चाहते हैं और आप लोग ख्वाहिशमंद हैं कि आप लोग इटली पहुँच जाएँ, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से किस तरह से इटली जा सकेंगे। आप लोग इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, श्रीलंका में, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप लोग आसानी से इटली जा सकेंगे अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान भाई का यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक अरसलान भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इटली का प्रोसेस किस तरह से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी आप लोग जा सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ जो कि ऑलरेडी मैं अपने पहली वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि ऑलरेडी इटली में मौजूद है इस वक्त। अब वो किस तरह गया था, वो गया था डंकी लगाकर, जो मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग डंकी लगाकर इटली जाएं, मैं आप लोगों को लीगल वे बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से लीगल वे के थ्रू आप लोग इटली जा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने इन स्टेप्स को गौर से सुनना है और समझना है। अगर आप लोग ये फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत इजीली इटली पहुंच सकेंगे। पहला स्टेप तो आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। इट्स मीन कि आप लोगों का जो डायरेक्ट वीज़ा होता है वो नहीं लगता, या आई मीन कि आप लोग अगर चाहें कि यार मैं डायरेक्ट अपना पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से डायरेक्ट वीज़ा लगवा लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों का डायरेक्ट वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा। आप लोगों को पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। लाइक आप लोगों ने कुछ कंट्रीज़ में गए हों, तुर्की में गए हों, बांग्लादेश, बट तुर्की का भी डायरेक्ट वीज़ा आप लोगों को नहीं लगता। पहले आप लोगों को छोटे छोटे कंट्रीज़ में विज़िट करना पड़ता है, यानी कि एज ए टूरिस्ट आप लोगों ने शो करवाना होता है। 8 से 10 कंट्रीज़ आप लोगों ने घूमनी चाहिए। लाइक उसमें दुबई भी आ जाता है, कतर आ जाता है, सऊदी अरब भी आ जाता है, इसी तरह से और छोटे छोटे ममालिक जैसे चीन हो गया, इसी तरह से जापान हो गया, इसी तरह और कंट्रीज़ भी हैं। आप लोग जब घूम लेते हैं, देन जब आप लोगों के स्टैम्पे लग जाएंगी आपके पासपोर्ट पर, तो तब आप लोग अप्लाई करेंगे अपना इटली के लिए। यानी कि आप लोग सिर्फ इटली के लिए नहीं, किसी भी यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली जो फोकस कर रहा हूँ इस वक्त इटली पर कर रहा हूँ। तो इटली के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप लोग इटली के लिए अप्लाई करेंगे तो आई होप कि आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, एजेंट रजात को पैसे दे देते हैं। कितने पैसे देते हैं जी, 40 लाख रुपए दे दिया, 30 लाख रुपए दे दिया। अब वो आप लोगों को वीज़ा 2 साल का 4 साल का 3 साल का वीज़ा नहीं देते, आप लोगों को जॉब वीज़ा नहीं देते, वो आप लोगों को वीज़ा ही प्रोवाइड करते हैं। वो भी कब, जब आप लोगों का लग जाता है। मोस्टली तो ऐसा होता है कि आप लोगों का वीज़ा ही नहीं लगता। आई मीन कि आप लोग अगर वीज़े के लिए पैसे दे देते हैं, आप लोगों ने एडवांस उसे दे दिया 10 लाख रुपये एजेंट को, और एडवांस वो 10 लाख रुपये लेकर रख लेता है और उसके बाद आप लोगों की अप्लाई करता रहता है। जब आप लोगों का वीज़ा लग जाता है तो वो आप लोगों को दे देता है। अगर नहीं लगता तो वो कहता है जी अभी आप वेट करें, आप लोगों की उधर से एक्सेप्ट नहीं हो रही, अभी कैंसिलेशन होगी, अभी ये मसला हो गया, अभी ये मसला हो गया। इसका मतलब ये होता है कि एजेंट हजरात आप लोगों को घुमाते रहते हैं और आप लोगों से पैसे भी चार्ज कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप लोग खुद अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे, अपनी जो कि बैंक बैलेंस बनाएंगे, जो कि बैंक बैलेंस जो कि स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं वो भी मैंने समझाया हुआ है, और आसानी से आप लोग उसको बैंक स्टेटमेंट को भी बना सकेंगे। और ट्रैवल हिस्ट्री भी आप लोगों ने इसी तरीके से 8-10 मुल्क घूम लेने हैं। जैसे ही आप लोग 8-10 मुल्क घूम लेंगे तो आप लोगों का वीज़ा भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप लोग अप्लाई करेंगे ना किसी भी मुल्क के लिए, आसानी आपकी स्टैंप लगेगी और फिर आप आसानी से वहाँ पर पहुँच भी सकेंगे। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों को एक और चीज़ बताता जो, एक तो आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट और आप लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री बना लेनी है, उसी के साथ आप लोगों को जो मैं बात बताने वाला हूँ ये आप लोगों ने गौर से समझ लेनी है। अगर आप लोग दुबई आ गए हैं, यानी कि आप लोग यूएई कंट्री में आ गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो आप लोगों का यहाँ से वीज़ा कैसे लगेगा, आप लोग किस तरह से यूरोप जा सकेंगे, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर भी बहुत से लोग झांसे में आ जाते हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितनी भी यूरोप कंट्रीज़ हैं, जितनी भी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, आप लोगों की वहाँ की एम्बेसी जो है वो यहाँ पर मौजूद होती हैं, तो आप लोग आसानी से यहाँ की एम्बेसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्हें ईमेल कर सकते हैं। पहले तो आप लोग पाकिस्तान में जब होते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप लोगों को वहाँ एम्बेसीज़ नहीं मिलती। जब आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं तो तब आप लोगों को उसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर वो एम्बेसी मौजूद होती है। लाइक आप लोग इटली जाना चाहते हैं तो आप लोगों को इटली की एम्बेसी ढूंढनी पड़ेगी। आप लोग गूगल करेंगे कि इटली एम्बेसी किस जगह पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पर। जब आप लोगों के सामने देखेंगे यार ईरान में अवेलेबल है, इराक में अवेलेबल है, या यूएई में अवेलेबल है, तो आप लोग चेक कर लेना। जैसे ही आप लोगों को पता चलेगा कि यार हमारे जो नियरेस्ट कंट्री है ना वो ये कंट्री बन रही है, तो आप लोग वहाँ जाएंगे उस कंट्री में,
उस कंट्री में जाने के बाद आप लोग वहाँ की एम्बेसी से मिलेंगे, उस एम्बेसी से आप लोग अपने फॉर्म वगैरह जो भी फॉर्म वगैरह आप लोगों ने फिल करना होगा, आप लोग उन्हें बताएंगे कि हम लोग विजिट के लिए जाना चाहते हैं, हम ऑलरेडी विजिटर्स हैं, हम क्या नाम है काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुके हैं, उन्हें बताएंगे आप लोग अपने बारे में, थोड़ा सा गाइड करेंगे। जब आप लोग उन्हें गाइड करेंगे ना, तो देन वो आप लोगों को थोड़ी सी सजेशन देंगे कि आप लोगों का इस तरह से वीज़ा लग सकता है, इस तरह से लग सकता है, और थोड़ी बहुत वो कुछ चीज़ें होती हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ती है। देन जब जैसे ही आप लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोगों का वीज़ा बआसानी लग सकता है। लेकिन ये एक ऐसा गढ़ है, ये एक ऐसी जगह है जो कि यूएई, ये ऐसी जगह है कि आप लोग यहाँ से बआसानी कहीं भी जा सकते हैं। लाइक आप लोगों ने अगर यहाँ पर 2 साल गुजार लिया ना, और एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट यहाँ की बना ली है, तो आप लोग किसी भी कंट्री में आप लोग आसानी से जा सकेंगे। आप लोग एज ए टूरिस्ट अगर आप लोग की आईडी मौजूद है यहाँ की यूएई की, तो आप लोग ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर टूर पे आए हैं, यानी कि एक विजिट आप लोगों ने लगवाया और उसके बाद केजी हम एम्बेसी से मिलते हैं और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, तो आप लोगों का 100% वो रिजेक्ट होगा, वीज़ा आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों का वीज़ा एक्सेप्ट हो, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ती है। लेकिन अगर आप लोग यूएई में कुछ अरसा गुजार लेते हैं, 2-3 साल गुजार लेते हैं, किसी भी मुल्क में नहीं गए हुए, कोई मसला नहीं होता, अगर जस्ट आप लोग यूएई में मौजूद होते हैं, तो आप लोगों का यहाँ से भी आसानी से वीज़ा लग सकता है। वो किस तरह से, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और उसके अलावा कुछ भी अपडेट्स इंशाल्लाह जैसे ही आती रहेंगी इटली से रिलेटेड और यूरोप कंट्री से रिलेटेड, तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। और उसके अलावा आप लोगों को ये बताता चाहूँ, जाते जाते आप लोगों ने किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी फ्राडी को पैसे नहीं देने, इन लोगों से बचना है। और सो गाइस, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, और जिस दोस्त ने अभी तक सलाम भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।